हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे माय टॉपिक इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? इसके नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनादर फॉर्म। यानी कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जाता है और ना ही इसका विनाश किया जाता है, सिर्फ इसको कन्वर्ट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ब्रह्मांड में यानी कि यूनिवर्स की संपूर्ण ऊर्जा का योग नियत रहता है, इसे ही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन रिमेन्स सेम कॉन्स्टेंट टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स सेम, यानी कि ऊर्जा जो है वो टोटल सेम रहती है। कैसे? इफ टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इफ टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम ई इक्वल टू, इसको हटा दिए, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम ई इक्वल टू के ई प्लस पी। इन दोनों ऊर्जाओं का योग जो है वो, यानी कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, तो ये कांस्टेंट रहेगा। इसकी वैल्यू क्या हो, फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पी एम जी एच। तो E इक्वल टू आ गया कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। यही जो है वो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। इसको हम न्यूमेरिकली कैसे कह सकते हैं?
numerically we can say E equal to इसको हम कह सकते हैं ई के प्लस ई पी। ये न्यूमेरिकली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब वही है कि ऊर्जा जो है उसको ना तो पैदा किया जा सकता है यानी उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश हो सकता है। नॉट क्रिएटेड एंड नॉर क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो ये कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अब एनर्जी वाला टॉपिक ये आज ख़त्म होता है। अब अगले वीडियो में आप नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसको चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।